हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज मैं VLS फाइनेंस लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, VLS फाइनेंस लिमिटेड मुख्य रूप से परिसंपत्ति प्रबंधन, रणनीतिक निजी इक्विटी निवेश, आर्बिट्रेज और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख उपस्थिति के साथ वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है। तो इसका कामकाज बहुत अच्छा है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। थोड़ा सा इसका मुख्य डाटा पर ध्यान देंगे तो इसका बुक वैल्यू है 857 रुपये का, जबकि करेंट प्राइस 308 रुपये है। तो इसमें अभी अपट्रेंड बनने की चांसेस बहुत अच्छी है, जिसका कि ROC 14.1% है और ROE 11.8%। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, 52 वीक का हाई लो 338 रुपया और 167 रुपया, अपने 52 वीक का हाई लो के हाई के करीब में ही ये लगभग ट्रेड कर रही है, उससे थोड़ा सा नीचे। स्टॉक पी 3.31, यानी कि इसमें अभी भी ऊपर की तरफ प्राइस जा सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करिए दोस्तों। जैसा कि वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ समय के लिए तो कंसोलिडेट मोड में जाना चाहिए, बाकी रिजल्ट का टाइम है, तो ऐसे टाइम में अब ट्रेंड बनने की उम्मीद ज़्यादा लगा सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान देंगे तो मार्च 2024 जो कि रिजल्ट आया था उसमें सेल्स 98 करोड़ का और एक्सपेंस मात्र 7 करोड़ का। इसका एक्सपेंस 9 के बराबर रहता है, सेल्स काफ़ी अच्छा रहता है जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 91 करोड़ का, यानी कि 91 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 74 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 21.28 रुपया। तो इसका पिछले चार क्वार्टर से अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है प्लस में, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट बेहतर ही आएगा और उसके वजह से इस शेयर में अपट्रेंड भी बनने की उम्मीद ज़्यादा लगाया जा सकता है। बाकी बैलेंस शीट के मामले में भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। मार्च 2024 के अनुसार इसके पास में रिजर्व काफ़ी अच्छा हो चुका है, 2948 करोड़ का रिजर्व है, अदर लाइबिलिटीज 570 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट 3158 करोड़ का। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ये शेयर की हुई है, जहां पर एक समय था कि 98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी 3158 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। टोटल एसेट 3552 करोड़ का हो चुका है। काफ़ी अच्छा ये वृद्धि करता हुआ, यानी कि विकसित करता हुआ ये स्टॉक। इन्वेस्टर के मामले में शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो इसमें भी जहां पर दिसंबर 2022 में 45.76% था प्रमोटर के पास में, वही बढ़ करके अभी जून 2024 में 50.85% हो गया है, यानी कि प्रमोटर अपना होल्डिंग को बढ़ाया है। FIH के पास में नाम मात्र का है 1.06% और DIH के पास में कुछ भी नहीं, एकदम पॉइंट में है, तो इसको कुछ भी नहीं समझा जाए। पब्लिक के पास में 48.05% है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स, तो अभी नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स अच्छा खासा है, 28,041 इन्वेस्टरों की संख्या है, जहां पर कि इससे पहले 27,480 था। तो यानी कि मार्च से जून में इन्वेस्टरों के रुझान इस शेयर के प्रति अच्छा खासा देखने को मिला है। इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि इस शेयर के स्थिरता को दर्शाता है, क्योंकि जब समय समय पर जो न्यूज आना चाहिए वो अगर न्यूज आता रहे शेयर में,
इसका मतलब है कि शेयर का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। तो 6 मिनट पहले का है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंप्लायंस रिगार्डिंग 39(3) डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। तो जो लॉस सर्टिफिकेट हुआ है उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया गया, इस तरीके का न्यूज रहता है। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं nsindia.com वेबसाइट के नाम है, इस पर प्री शेयर का प्राइस 309.25, प्रीवियस क्लोजिंग 309.20, ओपन 311 रुपये पर, हाई लगाया 318.25 और लो लगाया 304.20। तो जिस तरीके का इसमें ट्रेडिंग चल रहा है उसके हिसाब से अगर आइडिया लगाया जा सके तो कुछ ही समय में ये लगभग 350 के आंकड़ा को पार कर जाएगा इस शेयर का प्राइस। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो भी कमेंट कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं इस शेयर का BSE.com वेबसाइट का नाम है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इस पर शेयर का प्राइस 308.35 है, आज के डेट में माइनस में 80 पैसा। एक और चीज़ देखने को मिल रही है जो कि बहुत अच्छी न्यूज है, फाइनल डिविडेंड 1.50 रुपया, जिसका कि एक्सपायरी डेट है 20/9/2024, उससे पहले ज़रूर इस शेयर में अब ट्रेंड बनेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। इस शेयर का लेटेस्ट अपडेट न्यूज जो कि आज के दिन का है, यानी कि 29 जुलाई 2024 का, सब्जेक्ट देख सकते हैं, इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 39(3) ऑफ सेबी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015, जिसमें कि फोलियो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, नाम है, कब से कब तक कितना शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर, इस तरीके का बतलाया गया है। जिसका कि सर्टिफिकेट लॉस हुआ उसको सर्टिफिकेट के बारे में और नीचे में स्टाम्प भी लगा हुआ है, विलेज फाइनेंस लिमिटेड न्यू दिल्ली। ज़्यादातर 100 शेयर के बारे में ही जानकारी है। टोटल है 5,300 शेयरों की। तो जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, प्रमाण पत्र खोने की सूचना प्राप्त हुई है कंपनी को, तो इसके बारे में जानकारी दिया है ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को, जो कि मुझे समझ में आया। बाकी वीडियो को पॉज करके भी पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं न्यूज। लास्ट में जैसा कि डिलीवरी पोजीशन है 65%, यानी कि 65.21%, इसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी में शेयर को उठाया जा रहा है, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ही दिनों में इसमें अप ट्रेंड बनेगी अच्छी खासी, बनना भी चाहिए। जिस तरीके से ये स्टॉक है अपने शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है और जिस तरीके से इसका बुक वैल्यू है और इसको क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट हो रही है, उसके हिसाब से इस शेयर का प्राइस काफ़ी कम है अभी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।